हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था प्रेजेंट टेंस एंड वर्ब की डिटेल्स हम लोगों ने किए थे। मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को अच्छे से पूरा लेक्चर समझ में आया। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स, और हम सीखेंगे कि पास्ट टेंस को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद पास्ट टेंस। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे विद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, है ना। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ हमने कहाँ पर सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर एक्शंस के लिए, फैक्ट्स के लिए, इट कैन बी साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स के केस में, ये सारे केसेस में हम लोग किसे यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम लोग यूज़ कब करते हैं? पास्ट की एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए। पास्ट की एक्टिविटीज़ एज इन, जब भी आपको पास्ट का कोई इवेंट या पास्ट की कोई भी हैपनिंग, कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, फॉर एग्जांपल कल मैंने तुम्हें कॉल किया था, ठीक है, कल वो मुझे मिला था, ऐसा कुछ भी, पास्ट की कोई भी हैपनिंग, पास्ट का कोई भी इवेंट, जब आपको एक्सप्रेस करना है कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, ये हो गया पास्ट का इवेंट, है ना। तो इसे हम किस में लिखते हैं? इसे हम लोग हमेशा एक्सप्रेस करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ कर रहे थे? दैट इज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो जब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म। तो कैसे लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस को? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्वियसली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस है, एंड देन योर ऑब्जेक्ट इन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो ध्यान में रखने वाली है, ये इकलौता टेंस है, इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, बाकी कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। ठीक है, किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, अब मुझे यहाँ पास्ट का टाइम दिया है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, तो जब मैं कल की बात करी हुई, कल कोई एक्शन हुआ था, तो ऑब्वियसली आई यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको हर किसी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। और जब आपको अक्सर कुछ कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, कि जब आपको सेंटेंस में पास्ट टाइम रिलेटेड ऐसे वर्ड्स देखने को मिले, फॉर एग्जांपल यस्टरडे, है ना, पास्ट का कोई डेट दे दिया हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, है ना, तो ऐसा कोई पास्ट का डेट दे दिया हो, आप लोगों को बोल दिया हो लास्ट मंथ और लास्ट ईयर और लास्ट नाइट, कुछ भी दे दिया हो, पास्ट का कोई भी टाइम दिया हो, यू जनरली यूज़ व्हाट? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसके साथ एक और वर्ड, जब भी आपको सेंटेंस में एगो दिया हो, AGO, एगो, उसमें भी आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हो। तो दीज आर सम हिंट्स, कीवर्ड्स, कि जब आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हों, आप कौन सा टेंस यूज़ करते हो? यू जस्ट सिंपली यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये तो था जब हम सिंपली लिखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। अब क्या हो कि हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, या इसी को हमें इंटरोगेटिव बनाना है, तब हम क्या करते हैं? तो देखिए, तब क्या किया जाता है, यहाँ पर जब हमें पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, या फिर लिखना हो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे हम लोग डू और डज यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो है डू की सेकेंड फॉर्म, दैट इज़ डिड। ठीक है, अब सेंटेंस हमने क्या लिखा था, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, ये सेंटेंस हमने लिखा था पास्ट इंडेफिनेट में। अब इसी को मुझे पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में बनाना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगी, डिड आई, अब यहाँ पे कॉल को हम लोग सेकेंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सेकेंड फॉर्म लगा चुकी हूँ, मैं डिड लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म, कॉल यू यस्टरडे,
ये नेगेटिव नहीं, ये इंटरोगेटिव हो गया, यहाँ से लिख लेना ये चीज़। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है दैट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये हो गया इसका इंटरोगेटिव। इसी को मुझे, इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगी, आई डिड नॉट कॉल यू येस्टरडे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और एक चीज़ जो हमने यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमने ध्यान रखनी है कि डिड लगा है तो कॉल्ड नहीं लिखेंगे, कॉल्ड क्या कोई भी सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना है डिड के बाद अगर कोई वर्ब लगता है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, क्यों, क्योंकि डिड इटसेल्फ एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसके साथ जो भी वर्ब लगाओगे वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, ऐसा नहीं करना है पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म लगा दिया, वो सिंपल सेंटेंस जब होगा सिर्फ उसी केस में आपको करना है। तो समझ आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे लिखते हैं और इसका क्या यूज़ है। आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हमें समझने हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर एक रूल लिखा है और दो सेंटेंसेस लिखे हैं, है ना, पहले हम रूल समझते हैं फिर हम सेंटेंस पे आते हैं। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल यूजिंग दिस सेंटेंस। जब भी आपका सेंटेंस किसी ऐसे फ्रेज से स्टार्ट हो, कैसे, इट इज़ टाइम, है ना, इट इज़ हाई टाइम, हम बोलते हैं ना यही टाइम है पढ़ लो, यही टाइम है काम कर लो, तो उसको कैसे बोलते हैं, इट इज़ द टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो जब आपका सेंटेंस इस तरीके के फ्रेज से स्टार्ट होता है और उसके बाद वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वहाँ पे क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, क्या लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हम वो सीखेंगे यहाँ से, नहीं यहाँ से नहीं, पहले हम देखते हैं जब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद क्या दिया है, कोई सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया है और उसके बाद जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, है ना, इट इज़ हाई टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही शी इट दे आई वी, है ना, और कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो और उसके बाद वर्ब लगा हो तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। एज यू कैन सी एन एग्जाम्पल हियर, इट इज़ टाइम You should study, ये बोलने में सही लगता है, इट्स टाइम यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। देखो कैसे, यहाँ पे है इट्स टाइम, दैट इज़ इट इज़ टाइम, उसके बाद क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा, सेकेंड फॉर्म में होगा, इसीलिए ये गलत ये सही, समझे बात। एक और सेंटेंस लिख लूँ, इट इज़ टाइम ही वर्क हार्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, इट इज़ टाइम ही वर्क हार्ड। अब मुझे पता है इट इज़ टाइम से मेरा सेंटेंस बिगिन हो रहा है, उसके आगे एक सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब कौन सा लगेगा, सेकेंड फॉर्म में, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है ये वाला केस, दिस इज़ फर्स्ट टाइप जो मैं आपको करवा रही हूँ कि जब इस तरह के फ्रेजेस से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद एक सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ तक समझ में आया, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर हो गया ये चीज़, तो आ जाते हैं आगे के पॉइंट पे। देखो अब ये वाला सेंटेंस फॉर्मेशन सबको विजिबल है। अब क्या बोला है, जब इट इज़ टाइम के बाद या इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं है डायरेक्टली, ही शी इट या कोई नाम नहीं है, क्या लगा है, टू लगा है, तो उस वक्त जो वर्ब का फॉर्म होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ देख लो, मैं बोलूँ इट इज़ टाइम यू स्टडी हार्ड, ठीक है, एक सेंटेंस हमने लिया ये, एक और ले लिया इट इज़ टाइम टू स्टडी हार्ड। अब मैं आपसे पूछूं कि आई हैव गिवन यू टू सेंटेंसेज एंड विच ऑफ दीज टू सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा सही है, पहला गलत दूसरा सही, क्यों, ऐसा क्यों है। तो वही चीज़ जो हमने अभी सीखी कि जब इट इज़ टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी शुड राइट सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टडी, दैट इज स्टडीड। इट इज़ टाइम टू स्टडी हार्ड, इट इज़ टाइम टू स्टडी हार्ड। अब ये सेंटेंस क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर बोला है इट इज़ टाइम और उसके बाद क्या लगा है, टू लगा है, टू लगा है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हम जनरली भी देखते हैं टू के बाद, प्रपोजिशन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है ना,
तो वही केस है यहाँ पर, ये वाला केस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब इस फ्रेज से स्टार्ट हो आपको हमेशा ध्यान रखना है कब सेकंड फॉर्म लगानी है, कब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे आपको एरर डिटेक्शन आ सकता है, इसके बेसिस पे आपको फिलर आ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो क्लियर हो गया सबको पास्ट इंडेफिनेट टेंस? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस देखते हैं, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक्शन चल रहा है, हो रहा है, कर रहा है, जब हिंदी में क्या आता है, रहा है। अब जब हिंदी में आता है रहा था, प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, पास्ट में कंटिन्यू था। कल मैं खेल रहा था, मैं खाना खा रहा था, वट एवर इट इज, रहा था वाली सेंस आती है सेंटेंस में, रहा था वाली सेंस आती है जब सेंटेंस में, तो वो कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसे लिखा कैसे जाता है, इसे लिखा कैसे जाता है? देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे थे? इज, एम और आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, अब पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, दैट इज वॉज और वर। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? ing और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। समझे यहाँ तक? कैसे लिखेंगे इसे? फॉर एग्जाम्पल पहले मैं वॉज की बात करूँ तो वॉज को हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन हुआ? आई, है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन हुआ? He, she, it या कोई भी name। ये हो गया जिसके साथ हम क्या use करते हैं? Was का use करते हैं। अब आ जाते हैं verb पे। Verb का use हम किसके साथ करते हैं? तो जब first person plural होता है, यानी कि we, you के साथ, second person के साथ और third person plural के साथ, जब दे दिया हो या कोई भी plural word दिया हो उसके साथ हम verb लगाते हैं। ये तो बहुत simple सी चीज़ है, सबको आती है। अब इसके example भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डन, तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये मैं फुटबॉल खेल रहा था। दे वर कॉलिंग यू, वो तुम्हें कॉल कर रहे थे। तो कैसी सेंस आई? रहा था, रहे थे, ऐसी सेंस आई। तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई के साथ वॉज लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। दे के साथ वर लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डन, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंस। हाँ, तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा कि रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शंस, जो काम हमने अभी अभी ख़त्म किए हैं, उनके लिए हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने अभी अभी खाना खाया, मैंने अभी अपना काम ख़त्म किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो काम हम लोग पास्ट में ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, मैं कल ही अपना काम ख़त्म कर चुका था, है ना, मैंने ये खाना पहले ही खा लिया है, या whatever, कुछ भी काम जो आप पास्ट में किसी टाइम पर कर चुके हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या रेफर करता है ये? एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में जो काम हमने ख़त्म किए हैं उसके लिए हम लोग लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे लिखा जाता है इसे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, उसके बाद प्रेजेंट में हम लोग हैज और हैव लगा रहे थे, यहाँ पे हम उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, दैट इज हैड। हैड के बाद परफेक्ट टेंस है तो क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं अपना काम खत्म कर चुका था, कैसे लिखूंगी? आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, राइट। इसी तरीके से लिखेंगे, इसी को मुझे नेगेटिव सेंटेंस में करना होगा तो कैसे लिखूंगी? आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इसी को मुझे इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखना होगा, इसी फर्स्ट वाले सेंटेंस को, तो मैं कैसे लिखूंगी? हैड आई
कंप्लीटेड माय वर्क, है ना। इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या बताता है, एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। यहाँ तक क्लियर। अब इससे इसी के साथ रिलेटेड और प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे अक्सर एरर डिटेक्शन एग्जाम में आता है, कई बार फिलर भी आ जाता है, तो वो पता होना चाहिए क्या है। तो चलो देखते हैं। अब एक पॉइंट है, एक रूल है। रूल क्या कहता है, जब दो एक्शन पास्ट में हुए, ठीक है, एक के बाद एक पास्ट में दो एक्शन हुए, फॉर एग्जांपल सुबह आप घर से निकले, ठीक है, ये सुबह का एक्शन है, और घर से खाना खा के निकले, ये भी सुबह का एक्शन है। पहले आपने खाना खाया सुबह, उसके बाद आप घर से निकले, पास्ट में आपने दो काम किए एक के बाद एक। तो जो एक्शंस हैं उन दो एक्शंस को हम दो तरह के टेंसेज में रिप्रेजेंट करते हैं। वो टेंस कौन कौन से हैं, एक है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, एक है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, सबको यहाँ पर नोट करना है ये पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना है। व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर, दो एक्शंस हुए पास्ट में हुए एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, तो क्या होगा, एक्शन हैपेंड फर्स्ट, जो एक्शन पहले हुआ है, जो काम पहले किया गया, इज रिप्रेजेंटेड इन, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जो एक के बाद एक एक्शन हुआ, जो एक्शन पहले हुआ वो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड द एक्शन हैपेंड लेटर, उसके बाद जो एक्शन हुआ इज रिप्रेजेंटेड इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आई रिपीट, जब पास्ट में दो एक्शंस हुए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आप घर से निकले और उससे पहले आपने क्या किया, खाना खाकर निकले, दो एक्शंस आपने किए पास्ट में, तो जो पहला वाला एक्शन है, पहले क्या किया, खाना खाया, उसको आप किस टेंस में लिखोगे, उसको आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद वाला एक्शन आपका क्या था, आप घर से निकले, उसको आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के थ्रू हम इस रूल को अच्छे से समझेंगे। चलिए, एक सेंटेंस को दो दो टाइप्स में हमने लिखा हुआ है। जो भी मैं आपको सेंटेंस बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसी को हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। सुबह मैंने दो काम किए, एक क्या किया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, और ये किससे पहले किया, बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए निकलने से पहले मैंने क्या किया, खाना खाया, तो पहले क्या किया, खाना खाया, फिर मैं ऑफिस के लिए निकली, यही एक्शन किया। अब पॉइंट क्या है कि दो एक्शंस हुए, पहले ये वाला हुआ फिर ये वाला हुआ, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम किस टेंस में लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये एक्शन पहले हुआ है ब्रेकफास्ट खाना, तो इसको मैं किस में लिखूंगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले मैंने खाना खाया। समझे बात, अभी भी नहीं समझ आया तो वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए ये पॉइंट, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस लिखो, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मैंने उसे देखा, किससे पहले देखा, उसकी गाड़ी रोकने से पहले, उसके गाड़ी रोकने से पहले ही मैंने उसे देख लिया। तो पहले क्या हुआ, उसने गाड़ी रोकी या फिर आपने उसे देखा, पहले क्या हुआ, आपने उसे देखा, तो इसको हम किस में लिखेंगे, इस तरीके से। सॉ इज सेकेंड फॉर्म, लेकिन हमें इसे परफेक्ट में बनाना है, तो हम सॉ की जगह क्या लगा देंगे, हैड सीन। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बना, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, सेकेंड वन इज द करेक्ट सेंटेंस। वन मोर एग्जाम्पल, बिफोर ही अंडरस्टूड एनी थिंग द रॉबर फ्लेड,
इससे पहले कि वो कुछ समझता, रॉबर्ट जो है वो भाग गया, उड़ गया, भाग गया। अब पहले को क्या हुआ, आप कुछ समझे या पहले रॉबर लुटेरा भाग गया, मतलब पहले लुटेरा भागा, तो क्या होगा, जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम किस में लिखेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको सेकेंड फॉर्म में, राइट। ये बिफोर आफ्टर वाला केस समझना है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं उससे मिला, कब मिला, अपना काम ख़त्म करने के बाद, आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, तो पहले मैं उससे मिला या पहले मैंने काम ख़त्म किया, ऑब्वियसली पहले मैंने काम ख़त्म किया, तो जो काम पहले किया उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, हैड फिनिश्ड, सेकेंड वन इज़ करेक्ट, फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, इधर भी सेकेंड वन करेक्ट, फर्स्ट वन रॉन्ग। फोर्थ एग्जाम्पल देख लो अभी, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, मेरे थिएटर पहुंचने से पहले ही शो स्टार्ट हो चुका था, तो क्या हुआ, मैं थिएटर पहुंचा लेकिन उससे पहले शो स्टार्ट हो चुका था। अब जो एक्शन पहले हो चुका था, अगेन किसमें, द शो हैड स्टार्टेड। तो यही सेंटेंस को ध्यान में रखना, आपको एरर कैसा आएगा, ये जैसे फर्स्ट वाले केसेस हैं आपको इस तरीके का एरर आ सकता है, आपको करेक्शन कहाँ निकालना है, जैसे मैंने सेकंड वाले में करेक्ट किया है, ठीक है। जो एक्शन पहले हुआ है दैट इज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ है दैट इज़ ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वाला केस क्लियर हुआ, तो ये था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस करेक्शन। अभी आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस में, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमने क्या सीखा था, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट है और कोई एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया, ठीक है, पास्ट में हमने कोई एक्शन शुरू किया और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, पास्ट में शुरू किया प्रेजेंट तक चल रहा है, किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में लिखेंगे। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या बताता है कि पास्ट में आपने कोई काम शुरू किया, ठीक है, वो पास्ट में ही कुछ टाइम तक चला और पास्ट में ही किसी टाइम पे ख़त्म हो गया, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ कुछ टाइम तक चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, प्रेजेंट में नहीं चल रहा, पास्ट में शुरू हो गया पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पे फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगाते हैं, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड, बस उतना फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम। इसमें हमने सिंस फॉर किया, सिंस फॉर का यूज़ भी बिल्कुल बिल्कुल सेम। कैसे लिखा जाता है इसे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पास्ट है तो क्या आ जाएगा, हैड, उसके बाद कंटिन्यूअस है तो हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सिंस फॉर बताने के लिए कि काम कब से पास्ट में चल रहा है या कब शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 3 years, मैंने बोला आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 3 years, इसका मतलब क्या हुआ, मैं वहाँ 3 साल से काम कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ, अब प्रेजेंट में नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखती तो यहाँ पर क्या आ जाता, आई हैड की जगह प्रेजेंट में आई हैव आ जाता, तो उस वक्त इसका मतलब क्या हो जाता कि मैं वहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने पास्ट परफेक्ट बोला तो 3 साल से कर रही थी, अभी नहीं कर रही हूँ, प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू नहीं है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो समझ आया, अब यहाँ पर ड्यूरेशन दिया है तो फॉर हो गया, ड्यूरेशन की जगह फॉर एग्जाम्पल आपको ईयर नेम दिया होता, पर्टिकुलर टाइम दिया होता, 2017 से काम कर रही थी, तो उस वक्त हम क्या लगाएंगे, सिंस, ये तो याद है सबको, सिंस और फॉर का केस है ना। तो दिस इज़ व्हाट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमने क्या सीखा, पास्ट टेंस सीखा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल सीखा, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको सेंटेंस करवाए या एरर्स करवाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के साथ ही मैं आपको टेंस से बेस्ड, टेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिलर्स भी करवाऊंगी, एरर डिटेक्शन भी करवाऊंगी, सो दैट हमें एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। एक्चुअली में हमने पढ़ तो लिया पर इसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।